नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके तारे के आज के अंक में हम बात करेंगे रिश्तों और ग्रहों के संबंध के बारे में। ये समझेंगे कि किसी खास ग्रह को मजबूत करने के लिए किस तरह के रिश्ते पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, या यूं कह लें कि कौन सा रिश्ता किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, आज ये जानेंगे। इसके अलावा देंगे आपके सवाल का जवाब और बात करेंगे उनकी भी जिनका आज जन्मदिन है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल की। मेष राशि, आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, सेहत भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी तमाम समस्याएं हल हो रही हैं। सलाह ये है कि समय बहुत अच्छा है, इसलिए समय की बर्बादी ना करें, महत्वपूर्ण काम निपटा लें। वृष राशि, हर तरह के तनाव से आपको बचाव करना है, नौकरी में विवादों से आपको दूर रहना है, हरी सौंफ खा के अगर आप घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सलाह ये है कि आज के दिन कोशिश करें बेवजह विवाद ना करें, बेवजह झगड़ा ना करें और ख़ास तौर से वाहन सावधानी पूर्वक जरूर चलाएं। मिथुन राशि, नौकरी में बदलाव के संकेत हैं, आर्थिक लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सलाह ये है कि धन को लेके प्लानिंग करना सीखें, धन को लेके प्लान करें, बेवजह खर्चों से बचेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ग्रहों और रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, आपको बताते हैं कि किस ग्रह से कौन सा लाभ होगा और किस ग्रह को मजबूत करने के लिए किस रिश्ते पर हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें सूर्य की तो बता दूं कि सूर्य से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आपको नाम यश मिलेगा और आपको राज्य सुख मिलेगा, स्टेट से भी फायदा होगा। सूर्य से लाभ लेने के लिए अपने पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए। जो लोग अपने पिता का सम्मान करते हैं उनका सूर्य प्रबल होता चला जाता है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा से व्यक्ति को लोकप्रियता मिलती है, अच्छा मन मिलता है और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा से लाभ लेने के लिए अपनी माता का सम्मान जरूर करना चाहिए। जो लोग अपनी माता का सम्मान करते हैं बिना किसी प्रयास के उनका चंद्रमा प्रबल होता है, उनका चंद्रमा मजबूत होता है। मंगल, मंगल से व्यक्ति को पराक्रम की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को संपत्ति का सुख मिलता है और भाई बहनों के साथ व्यक्ति का संबंध भी अच्छा जरूर हो जाता है। अगर आपको मंगल से लाभ लेना है, मंगल से फायदा लेना है तो भाई बहन के साथ आपको अपने रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए ताकि आपका मंगल बेहतर बना रहे। बुध, बुध से किसी व्यक्ति को अच्छी वाणी मिलती है, तीव्र बुद्धि तेज बुद्धि मिलती है और उसकी स्किन बड़ी अच्छी होती है, अच्छी त्वचा का वरदान भी प्राप्त होता है। बुध से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो अपने रिश्ते अपने ननिहाल के साथ हमेशा अच्छे बनाए रखें। ननिहाल के साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखने से आपका बुध प्रबल होगा, आपका बुध मजबूत होगा। बाकी बचे हुए ग्रहों के साथ रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, किसी अतिथि का आगमन हो रहा है, काम के नए अवसर मिल रहे हैं, उच्च पद की प्राप्ति के संकेत भी फिलहाल बने हुए हैं। सलाह सिर्फ इतनी है कि जल्दबाजी में काम करने से बचें, जल्दबाजी में काम करके गड़बड़ियां ना करें। सिंह राशि, आपकी सेहत में इंप्रूवमेंट सुधार हो रहा है, आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत हो रहा है और पारिवारिक समस्याएं आपकी दूर हो रही हैं। सलाह ये है कि वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखेंगे और जल्दबाजी से बचाव करेंगे। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम टाल देना ही बुद्धिमानी है, नौकरी में तनाव से आपको बचना है, हरी इलायची खा के घर से निकलें तो बहुत अच्छा होगा। सलाह ये है कि अपनी योजनाओं को अपनी प्लानिंग को दूसरों को ना बताएं, ऐसा ना हो कि आपकी बताई गई योजनाएं सब धराशायी हो जाएं, आपका काम खराब हो जाए। बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल की, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है उत्तम कुमार जी ने, इंदौर से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 16 मई 1978, जन्म का समय है सुबह 6 बजे, जन्म का स्थान है इंदौर।
ये लिख रहे हैं कि कारोबार कर रहे हैं लेकिन कारोबार में इनके पास पैसे फंस गए हैं बहुत ज़्यादा और पैसों के फंसे होने की वजह से उन्नति नहीं हो रही है। लोगों का ये कहना है कि इनको नौकरी करनी चाहिए, तो क्या इन्हें कारोबार बंद कर देना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जनवरी से जब से राहु और बृहस्पति एक साथ हुए हैं आपकी मनस्थिति अच्छी नहीं है और तमाम तरह की समस्याएं भी हैं, तमाम तरह का पैसा फंस भी गया है और तमाम तरह की मुश्किलों में आप आ भी गए हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि इस कुंडली का जो निगेटिव पक्ष है, जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे ठीक कर देना है। बाकी कोई खास मुश्किल इस कुंडली में नहीं दिखाई देती और आप कारोबार में ही रहें, आपके लिए कारोबार ही उत्तम होगा। दो काम करने की मैं सलाह दूंगा, एक तो रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। ओम भूर्भुवस्वः गायत्री मंत्र है, 108 बार सुबह 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करें और हर बुधवार को खाने पीने की चीज़ों का दान करें, निर्धनों को कर दें, मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें। तो खाने पीने की चीज़ों का दान अगर हर बुधवार को करें और गायत्री मंत्र का जप करें तो आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, लेकिन यात्रा से बचाव करना है। सलाह ये है कि अपने घर के परिजनों पर ध्यान दीजिए, परिजनों के साथ, परिवार के लोगों के साथ तालमेल अच्छा बनाए रखिए, वहां पर गड़बड़ियां हो सकती है। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे, हालांकि वाहन सुख भी मिलेगा और शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में सुधार भी होगा। सलाह ये है कि अपने सहयोगियों के साथ रिश्तों पर ध्यान दें, ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपके कलीग्स, आपके सहयोगी आपसे दूर होते चले जाएं। धनु राशि, उपहार मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी फिलहाल बने हुए हैं। सलाह ये है कि एक तो पारिवारिक जीवन और ऑफिस में तालमेल ठीक बनाए रखें और दूसरा बेवजह पैसे की फिजूल खर्ची ना करें। अब जानते हैं कि बाकी जो ग्रह हैं उनके साथ किस रिश्ते का संबंध सबसे ज्यादा मजबूत होता है। बात करें अगर बृहस्पति की, तो बृहस्पति से विद्या, ज्ञान, आध्यात्म और ईश्वर की कृपा मिलती है। बृहस्पति से लाभ लेने के लिए विद्वान और बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और ख़ास तौर से अपने दादा दादी का विशेष सम्मान करें, इससे आपका बृहस्पति प्रबल होगा। शुक्र, शुक्र से व्यक्ति को भौतिक सुख मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, धन संपदा और दाम्पत्य सुख भी मिलता है। शुक्र से लाभ लेने के लिए आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो ऑफिस की स्त्रियां हों, समाज की हों, घर की हों, और अपने आचरण को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। शनि, शनि से व्यक्ति को नौकरी में, रोजगार में सफलता मिलती है, व्यक्ति का प्रभाव अच्छा होता है और व्यक्ति को वाहन सुख भी मिलता है। शनि से लाभ लेने के लिए हमेशा अपने से छोटों का सम्मान करें, अपने से छोटों की सहायता करें, ऐसा करने से, इस रिश्ते को ठीक रखने से शनि हमेशा बेहतर बना रहेगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, आज महत्वपूर्ण काम टाल देना ही बुद्धिमानी है, हड्डियों की समस्या से बचाव करें और संयम से काम लेवें। आज की सलाह ये है कि घर से निकलते समय जरा सा जीरा खा लेंगे या पीली चीज खा के निकलेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कुंभ राशि, नौकरी में बदलाव के मजबूत संकेत हैं, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बनते हैं, संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। सलाह ये है कि बेवजह तनाव मत पालिए, थोड़ा सा धन का दान करिए, इससे आपकी मुश्किल कम हो जाएगी। मीन राशि, संतान पक्ष की तमाम समस्याएं हल होंगी, नए अवसर आपको मिलते जाएंगे, धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। सलाह ये है कि एक तो अनावश्यक क्रोध मत करिए और दूसरा वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए, ऐसा कुछ मत बोल दीजिएगा जिससे चीजें खराब हो जाए। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत होंगे, आपका कैरियर भी उत्तम होगा।
स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बने हुए हैं और ये वर्ष आपका यात्राओं से लगातार भरा हुआ है। विदेश यात्रा की प्रबल संभावनाएं भी फिलहाल दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस साल, खास तौर से ब्लड की समस्याओं का और आंखों का ज्यादा ध्यान रखेंगे। सलाह ये है कि पूरे वर्ष मंगलवार को मीठी चीज का दान करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं ताकि मुश्किलों से बचे रहें। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।